घना गांव में जा रहे हैं। पोखरी ये वाला है कि वो वाला घिड़ी गांव में जो कि एनएसए चीफ इंडिया के अजीत डोभाल जी का घर, और ये है घिड़ी का स्कूल। बाघ भालू वगैरह जो होते हैं तो ये उन्होंने मारे हुए हैं। दादा भाई किसी ने भालू से मिलने, भालू ने किसी लेडीज को खाया था, उनका मंदिर बना। जो जुड़ा ले जाए, चलो भाई चप्पल आपने खा लिया मामा खाना, खा लो फिर आप भी। आपने बुड्ढा जी वो टावर दिख रहा है, हाँ उसके नीचे रह जाओ। तो जी हम आगे हैं, धना गांव में जा रहे हैं मंदिर में। हाँ अजीत डोभाल का गांव है ये चाचा। पोखरी ये वाला है कि वो वाला है? पोखरी ये सामने वाला पोखरी है, वो रखोण सामने। अभी हम आगे हैं घिड़ी गांव में जो कि है एनएसए चीफ इंडिया के अजीत डोभाल जी उनका घर। पैतृक यही है, पैतृक घर पर वो टूटा हुआ है। ये वाला घर है ना? हाँ ये वाला घर है। प्लेट देखे लगे होने भैया, ये वाला घर है ये टूटा है जो यहाँ पे। हाँ ये है अजीत डोभाल जी का घर, पैतृक गांव रहते ही उनके भाई ने रखा, भाई तो यही। अजीत डोभाल जी भारत के जासूस रह चुके हैं, बहुत सालों तक पाकिस्तान में रह के भारत के लिए जासूसी की है। इनके किस्से जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। आज के समय में ये सभी सेना के प्रमुख हैं और मुख्य सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोदी जी के साथ हैं। अजीत डोभाल जी के गांव का नाम घेड़ी है जो कि पौड़ी के अंतर्गत गगवाड़ सिंह पट्टी में आता है। मंदिर में जा रहे हैं ना। हाँ जी, अरे फिर उस भाभी को पता ना। अजीत डोभाल तूने उरी मूवी देखी है? नहीं देखी। तो तुम गेम ही खेलो तुम। पर ये है घिड़ी का स्कूल, ऐसे होते हैं स्कूल। भाई इसमें तो हालत खराब हो जाएगी ऊपर जाते जाते। खीड़ी से जो थाना के रास्ते में जा रहे हैं, और यहाँ पे देखो ये पूरे हटगे पड़े हुए हैं, गाय गुई के हटगे हैं ये देखो। तो ये सारा बाघ भालू वगैरह जो होते हैं तो ये उन्होंने मारे हुए हैं देखो। तो ऐसा कुछ ये पूरा जंगल है, और यहाँ पे बाघ वगैरह भी होते हैं तो वो मारा, उन्होंने मारा हुआ है गाय गुई या बकरे जो भी होंगे, गाय का लग रहा है जबड़ा तो। और ये जा रहा है ऐसे, काला सा पत्थर है। अच्छा भालू रहता है जाना भाई, किसी ने भालू से मिलने क्या चाहिए? मकान बने लेने जो पंडित जी वो है अजीत डोभाल, वो आपके उसमें है या फिर अलग है? भाई लगते हैं। अच्छा ये जो आपके पंडित जी नहीं है सुभाष भाई, हाँ उनके भाई है, भाई तो है वो, उनके मतलब दादाजी के भाई के लड़के। अच्छा तो वो आते तो नहीं है गाँव वगैरह? आते हैं कभी कभी, घर तो टूटा हुआ है तो फिर रुकते वगैरह तो होंगे नहीं, फिर बस आके चले जाते हैं, मत्था टेकने आते होंगे। उनका मंदिर है जिनको भाग रहे घर नीचे। अच्छा कोई लेडीज को खाया था उनका मंदिर बना, वो देखो भालू ने किसी लेडीज को खाया था उनका मंदिर बना है वो। हाँ और ये कौन सा गांव है? ये पोखरी। अच्छा पोखरी, फिर वो रकोण वो हो गया सामने, मामा जी का ससुराल है, सुल्तान मामा है ना उनका ससुराल है वो सामने वाला पोखरी। कहानी में ट्विस्ट ये है कि कोल्ली गांव हमारा गांव जरूर है लेकिन पैतृक गांव नहीं है, पैतृक गांव हमारा चोकलिया है। हमारे परदादा माइग्रेट हो गए थे इस वजह से। जो बाई सड़क आते हैं वो पौड़ी से लल्ली तमलाग होते हुए धना तक सड़क है, धना से नीचे तल्ला धना और फिर चोकलिया है। अभी हम जो आए हैं हम घीड़ी तक गाड़ी में आए थे और घीड़ी से फिर पैदल पैदल चोकलिया आए हैं।
यहाँ पर हमारे नागलजा का मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हम आए हैं। दर्शन भी दे सकता। हाँ सब चले गए गाँव छोड़ के। और भाई क्या हाल है? नमस्ते बाबू। एक भाई का छोटा लड़का रिंकू। हाँ छोटा वाला बड़ा वाला। नमस्ते बाबू। नमस्ते। हाँ ठीक ठाक सब घर में। सब बैठ जाओ। मत बैठा चाय ना। ये देखो वाटरफॉल हो रहा है जी। इस हिसाब से तो अगर हमारा ये पैतृक गांव है, सामने घीड़ी है, तो अजीत डोभाल जी हमारे पड़ोसी हुए, क्योंकि उनका भी पैतृक गांव घीड़ी है और मेरा पैतृक गांव ये है। सारे के सारे आगे चले गए हैं, वो तो गाड़ी के पास पहुंच गए ऊपर घीड़ी रोड पे, और सोनी चाचा भी पीछे रह गए हैं, मैं अकेला ही हूँ। पहले इन्होंने बता दिया कि यहाँ पे कहीं पत्थर के नीचे भालू है, उसने जिसको मारा था उनका मंदिर भी बनाया गया है, और अब मैं इस जंगल में अकेला ही चल रहा हूँ। अब पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। तो ये है जी खूबसूरत नज़ारा। अगर जिंदा रहा तो व्लॉग दिख जाएगा, नहीं तो फिर ये अनएडिट ही रह जाएगा। डंडा लेके चले वहाँ पे। डंडा कहाँ फेंका तुमने? अब तो उम्र हो गई है। क्या कर रहे हो? तो उम्र हो गई। वहाँ डंडा लेके उम्र बड़ी था उसकी। एक हाथ इधर का। चलो चलो पौड़ी लल्ली 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 पौड़ी। अरे इस बार बनाऊं जा वीडियो। देखा एक खाब तो ये सिलसिले हुए। ये देखा एक खाब तो ये सिलसिले हुए। आउट या या कपड़े क्या है? मेरा दिल है तेरी बना, आंचू पालू तुझे, तेरी तस्वीर है निकाल, दूर तक रोशनी है राम, कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हसरे दिल जले हुए, देखा एक खाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल। ठीक है गुन्नू, अब तो नहीं डर जी। अभी हम ना खेल के आ रहे थे और हम चले गए कालेश्वर दूध के लिए, और दूध था नहीं, उन्होंने कहा जी टाइम लगेगा, और पीछे से हम आ रहे थे अंधेरे अंधेरे में, और यहाँ पे बाघ का डर रहता है रात को क्या दिन को भी। मेरे पास जो ये 360 का ये था रोड, मैंने कैमरा निकाल दिया और ये रोड अपने पास रखी। मुकाबला कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब जान पे आती है तो हाथ पैर तो मारता ही, बंदा क्या पता बची जाए। चाचा के साथ चल मेरे साथ लड़की देखने। अभी पहले वो है एक तो गढ़वाल की चाहिए पसंद कर लो बस, मैं सोना पसंद कर। Oh, my God.
थैंक यू फॉर मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।